ज्वेलर्स सन 2002 से आपकी सेवा में। हमारा पता है मेडिकल कॉलेज के आगे, दिल्ली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 9827366। शुल्क राशन वितरण को लेकर कई दावे किए जा रहे हैं, वहीं गरीब और मध्य वर्ग के लोगों को इस योजना का बिल्कुल फायदा नहीं मिल पा रहा है। शासकीय उचित मूल्य दुकानों में इन दिनों राशन वितरण को लेकर काफी भीड़ देखने को मिल रही है और दुकान संचालक सोशल डिस्टेंस का पालन बिल्कुल करवाते नहीं दिखाई दे रहे। ताज़ा मामला सागर शहर के कैंट वार्ड स्थित क्रमांक 2 से सामने आया है, जहां जनता के लिए उचित मात्रा में राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा। जनता का कहना है कि शासन द्वारा निःशुल्क राशन वितरण की घोषणा की गई थी, लेकिन सरकारी उचित मूल्य दुकान के संचालक द्वारा हमें राशन वितरित नहीं किया जा रहा। जिनके पास परमिट है और जो उनकी पहचान के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए राशन उपलब्ध किया जा रहा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राशन प्राप्त करने के लिए हमें 2-3 घंटे कड़ी धूप में खड़ा होना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर वार्ड पार्षद से जब हमने इस मामले में जानने की कोशिश की तो उन्होंने शासन को ही दोषी ठहरा दिया। माल नहीं था, कहते कि परसों माल आएगा, फिर नरसों आएगा, इसी तरह से कहते कहते चक्कर काटते काटते परेशान हो गए। अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कलेक्टर साहब के यहाँ कैसे पहुँच पाएंगे बताइए आप। जी के पास माल नहीं आया तो कहाँ से देंगे? नहीं, माल तो है, परसों आया। इसके पहले आए हम, इसके पहले भी आपने माल बांटा, इसके पहले किसी को नहीं दिया बैठे आपके पास। पर्ची ये पात्र पर्ची हमारे पास है, बंद कर दी गई थी। बंद कर दी भैया, उसके लिए हम लोग तो शासन कह रहा है कि आप सबको दो, तो फिर शासन का झूठी घोषणा कर रहा है। शासन कह रहा है उसको बांट रहा है, अभी अभी ये मध्य प्रदेश शासन कहा के लिए कर रही है भैया? वो शासन हमारी प्रॉब्लम नहीं है। जब यहाँ का विधायक काम का नहीं है, सांसद काम का नहीं है, तो किस काम का है? परमिट का है, परमिट का दे रहे हम, परमिट आधार कार्ड पे भी दिया तो मंडरे ना, तो हमें आधार कार्ड का भी तो नहीं मिला। अभी तो दो आधार कार्ड भाई, आधार कार्ड का भी तो नहीं, आधार कार्ड बना है तो आधार कार्ड से ही मिल जाता यार, गया आधार कार्ड का दुकान तो सरकार द्वारा जब सबको मिल रहा तो देना कहा गया आपको? सबसे ज्यादा इस कंट्रोल में भ्रष्टाचार है भैया, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इसी कंट्रोल में है। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम राही। क्या समस्या जा रही है आपको यहाँ पर? समस्या यहाँ जा रही है कि गरीबी रेखा के नीचे है, वो पात्रता पर्ची जो थी वो बंद कर दी गई है 3 साल से। वो शासन कह रही है कि सबको अनाज दो, यहाँ आते हैं तो कहते कलेक्टर साहब से लिखवा कर रहा हो, यहाँ सोशल डिस्टेंसी का पालन करें या वो कलेक्टर साहब के यहाँ जाएं, बताइए। तो आप अभी आपको राशन देने के लिए इनने मना कर दिया है? राशन नहीं दिया गया है, हमारे अलावा जितने लोग खड़े हैं इनको किसी को नहीं मिला राशन। 25 लोग के पास। क्या नाम है आपका? राम नवी। क्या समस्या जा रही है आपको? हमको कोई राशन पानी कोई सुविधा नहीं मिल रही। जहाँ प्रधानमंत्री ने आपके घर घर राशन वितरण करवाया है, निःशुल्क दिया गया है, वो आपको नहीं मिला क्या? नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा। ये कहाँ की समस्या है? वार्ड नंबर 2 की। ये कहाँ आता है? वार्ड नंबर 2 कैंट। वार्ड में ये राशन की प्रॉब्लम जा रही है और प्रधानमंत्री जो निःशुल्क राशन बांट रहे हैं वो हितग्राही तक नहीं पहुंच रहा, क्या कहना है इस बारे में आपका? इस बारे में हमारा कहना ये है कि अभी शासन ने जो 3 महीने का अन्न गल्ला दिया था, इसके बाद शासन ने इस बार जिनके परमिट चालू है उनको 2 महीने का चावल भेजा है। अब जो शासन ऊपर से कह रहा है कि जिनके परमिट बंद हैं या जिनके राशन कार्ड सफ़ेद हैं या जिनके राशन कार्ड भी नहीं है उनको भी हम देंगे, लेकिन उनका पर्याप्त नहीं आता। ये 5-5 क्विंटल करके 2 बार आया है, उसमें 5-5 किलो अगर बांटा भी गया है तो 100 आदमी को बट गया। अब 1000 राशन कार्ड है और 100 जनों को बट गया तो 900 आदमी तो बगैर उसके रह जाते हैं। ये शासन को देना चाहिए। क्या है, शासन के पास ऊपर से कहने को तो है, लेकिन नीचे की जो पब्लिक की डीलिंग है या जो फील्डिंग में हम लोग काम करते हैं फील्ड में, उनकी समझ में नहीं आता कि हमें कैसे बांटेंगे। आप एक बात बताओ, अगर वो कह रहे हैं कि आधार कार्ड पर देंगे और जहाँ से आप कहीं से भी ले सकते हो, तो एक बात बताओ, आपकी राशन का हमने आधार कार्ड की 4 फोटोकॉपी करा ली, आज हम 1 नंबर वार्ड से ले आएंगे, कल हम जाके 2 नंबर वार्ड से ले आएंगे, कल परसों जाए 3 नंबर से ले आएंगे, भाई कोई लिखा पड़ी तो तुम अपने अपना पास आदमी करेगा। तो वही कह रहे कि शासन ऊपर से कहने वाले कुछ भी कह देते हैं, लेकिन ये गलत है।
यानी आप इसमें शासन की लापरवाही मानते हैं? लापरवाही है कि शासन प्रशासन की लापरवाही मानते हैं आप? तरीके से बटवाओ आप लोग, सही बात है, ऐसा तरीके से नहीं बटवाओगे आप तो ये उलझन उलझन बातें होंगी। नहीं तो अभी जैसे दो महीने के भैया उनकी, दो महीने का जिनका बंद राशन कार्ड चालू उनका देना, ये उनको दो, उसके बाद जिनके राशन कार्ड नहीं है या सफेद है उनके लिए आप अलग से भेजो और व्यवस्थित करवा के बटवाओ, तभी काम बनेगा, कम मिलेगा।